जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मंगलवार का तो एक सुनहरा और शुभ दिन है ही, साथ ही साथ आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज है हनुमान जन्मोत्सव। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की अनेकों बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। आशा करता हूँ हनुमान जी हम सबके सारे दुख हरेंगे, सारे कष्ट हरेंगे और हम सभी को ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करेंगे। तो आज दोस्तों बात होगी हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, हनुमान जी के जो अपना मैं बात करूँ बाल्य कथा थी, साथ ही साथ हनुमान जी ने जो अहम भूमिका निभाई रावण से जो युद्ध जीता हमारे प्रभु श्री राम ने, तो उन तीनों चीज़ों के बारे में बात होगी। तो थोड़ी विस्तार से थोड़ी बड़ी वीडियो होगी क्योंकि राम जी के बारे में तो तीन वीडियो थी, तो अलग अलग थी, तो कोई छोटी थी कोई बड़ी थी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी भी महापुरुष की जब बात करता हूँ तो भाई हमेशा यही कहता हूँ कि एक वीडियो में सब कुछ बताना मुश्किल है। तो फिर ये तो हनुमान जी हैं, महान के भी महान महापुरुष हैं कि आप कभी भी वो बहुत सारा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि जो भी कुछ सीखने को मुझे आपको हम सभी को मिले। तो इससे सुनहरा अवसर तो और कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि मंगलवार का दिन है, शुभ दिन है और साथ में है हनुमान जन्मोत्सव। जी हाँ, तो शुरू करते हैं और दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों विष्णु जी ने तो लेना था सातवां अवतार अपना, जिसको हम प्रभु श्री राम के रूप में जानते हैं। साथ में भोलेनाथ ने भी निर्णय लिया कि भाई मैं भी अवतार लूँगा, ये मेरा 11वां अवतार होगा जिसको जाना जाएगा हनुमान जी के रूप में, क्योंकि वो दो चीज़ें चाहते थे। एक तो ये कि भाई रावण को जो मैंने वरदान दिए हैं और उन्होंने उसका जो है इतना फ़ायदा उठाया है, उससे मैं भी बदला लूँगा जिस तरीके से भी मैं ले पाऊँ। साथ ही साथ मैं साथ में रहूँगा विष्णु जी के, क्योंकि जब भी विष्णु जी का नाम आता है तो शिव जी का नाम आता है, जब भी शिव जी का नाम आता है तो विष्णु जी का आता है, दोनों साथ साथ ही हमेशा रहते हैं। और प्रभु श्री राम का चरित्र तो उनको वैसे ही इतना अच्छा लगता था क्योंकि वो तो भाई सब कुछ पहले से ही जानते थे, सर्वज्ञ थे, तो उन्होंने कहा मैं उनके साथ ही रहूँगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और विष्णु जी ने भी कहा हे प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो राम जी का जन्म तो कैसे हुआ था आप सभी को बताया होता है, और हमने काफ़ी बार बात भी करी है। हनुमान जी का जन्म भी कैसे हुआ था कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने हनुमान जी की मूवी देखी होंगी या किसी ने घर में किसी से पता चला होगा या किसी किताब में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों इंद्रदेव की मैं बात करूँ, एक अफसर आती जिसका नाम था पूजी कस्थला। तो इंद्रदेव को हमेशा ही ये डर लगा रहता था कि भाई मेरा जो आसन है वो छिन ना जाए, इसलिए जब भी वो किसी ऋषि को तप करते हुए देखते थे तो घबरा जाते थे कहीं भाई ये स्वर का सिंहासन ना मांग ले। तो उन्होंने कहा हे पूजी का स्थला, तुम जाओ इस ऋषि का तप भंग कर दो, क्योंकि अप्सराएं अक्सर ऐसा कर सकती थी और वो जाती हैं और वो ऐसा ही कर देती हैं। ऋषि आपको पता है वैसे ही बहुत गुस्सेबाज होते थे और उन्होंने एकदम गुस्से में उनको श्राप दे दिया कि हे अप्सरा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अगले जन्म में तुम्हें एक वानर रूप मतलब तुम्हें मिलेगा। तो वो वहीं रोने लग जाती हैं पूंजी का स्थल और कहती हैं कि हे मुनिवर, आप ऐसा मत कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो क्योंकि ये सब तो मैंने इंद्रदेव के कहने पे किया, और वो ऋषि भी समझ गए थे किसके कहने पे किया होगा, तो कहते हैं अब मुझे क्षमा कर देना अप्सरा, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान ज़रूर दे सकता हूँ कि तुम एक ऐसे प्रतिभाशाली पुत्र को जन्म दोगी जो जिसका नाम हमेशा अमर रहेगा। वो इतना मतलब मैं बात करूँ इतना उसमें दिमाग होगा, इतना प्रतिभाशाली होगा, इतना ताकतवर होगा कि लोग हमेशा उसको याद रखेंगे, उसके नाम का वर्णन करेंगे, और जब ये पृथ्वी नहीं भी रहेगी तब भी उसका नाम ज़रूर रहेगा। तो वो वहाँ से चली जाती हैं और इंद्रदेव से भी वो वरदान पाती हैं कि एक बहुत ही अच्छे राजकुमार के साथ केसरी मैं बात करूँ जो वानर राज थे उनके साथ उनका विवाह होगा और तब उन्हें ये पुत्र की प्राप्ति होगी। और वो जो थी आप समझ गए होंगे कौन होंगी, वो थी माता अंजनी जो कि थी हनुमान जी की माता, और साथ में थे केसरी जो कि थे हनुमान जी के पिताजी। तो सबसे पहले तो मैं उन दोनों को शत शत प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे प्रतिभाशाली पुत्र को जन्म दिया। तो ये है कि उनका जो है वो विवाह होता है केसरी वानर राज से, और वो तपस्या करती हैं शिव जी की। उनको नारद मुनि कहते हैं कि आपको शिव जी की तपस्या करनी होगी ताकि आपको एक बहुत अच्छा पुत्र मिले। और जब वो तपस्या कर रही होती हैं तो तभी वहाँ पवन देव आते हैं, वो कहते हैं कि जल्दी आपको एक बहुत प्रतिभाशाली पुत्र प्राप्त होगा और उस मेरी जो सारी शक्तियाँ उसके पास भी होंगी। तभी उनको कहा जाता है पवन पुत्र हनुमान, कि वो पवन की तरह ही बिल्कुल पवन देव की तरह ही बिल्कुल उड़ते हैं हवा में और हमेशा पवन देव ने उनकी सहायता करी। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फाइनली हनुमान जी का जन्म अपना होता है पृथ्वी पर और वो बहुत ही सुनहरा अब मैं बात करूँ माहौल था। अगर किसी ने हनुमान जी की मूवी देखी होगी तो उसने ज़रूर वो दृश्य देखा होगा और देख के सच में मज़ा आ जाता है। मैंने खुद वो मूवी जब देखी थी 2005 में पहली बार, हनुमान जो मूवी है कार्टून की एनिमेशन वाली मूवी थी, वो बहुत ही अच्छी थी। अगर आपने ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। उसका दूसरा पार्ट था रिटर्न ऑफ हनुमान, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। और बाकी तो रामायण जो द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा जो मूवी थी या कोई और भी, उसमें भी हनुमान जी का रोल बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि भाई देख के मज़ा आ जाता है। तो हनुमान जी का जन्म होता है अपना बचपन में, वो काफ़ी नटखट थे सब दिखाया भी गया है। साथ ही साथ इतने वो प्रतिभाशाली बचपन से ही थे कि भाई उनको कोई यहाँ पे मैं बात करूँ ज्ञान दे ही नहीं सकता था। ये ऋषि ने बोला हनुमान जी के माता पिता को कि यहाँ तो भाई कोई ऐसा है ही नहीं, लेकिन सूर्यदेव हैं जो उनको ज्ञान दे सकते हैं। और सूर्यदेव से उनकी पहली मुलाकात कब होती है, जब बचपन में वो सूर्यदेव को देखते हैं तो उन्हें लगता है ये
आम है तो आम को खाने के लिए उड़ने निकल जाती हैं और तब उनकी भेंट सूर्यदेव से होती है। हालांकि वह इंद्रदेव उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें लगता है भाई ये भी कहीं मेरा आसन छीनने तो नहीं आ गया, क्योंकि बहुत छोटे से बालक ही तो थे और वहाँ पे वो उनको एक तरीके से घायल कर देते हैं क्योंकि छोटे से बालक ही थे हनुमान जी। तो पवन देव सारी हवा वायु छीन लेते हैं पूरी पृथ्वी से, फिर सारे देवी देवता प्रकट होते हैं, सभी हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो शिव जी हों ब्रह्मदेव हों, कि भाई आपको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं, और इंद्रदेव भी और कुबेर भी, और कुबेर उन्हें गदा भी प्रदान करते हैं, वो भी दिखाया गया है। और फिर पवन देव उनकी रक्षा करते हैं और मातांजनी को कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं हनुमान की हमेशा रक्षा करूँगा। और उसके बाद वो सूर्यदेव के यहाँ जाते हैं, उनसे सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो भी शेष रह गया होता है, और फिर तो सर्वज्ञ बन जाते हैं, उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बचपन में उनकी एक और लीला है जो आपको पता है, अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब दोस्तों हमने बात कर ली हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इसके सिवा बचपन के जो उनके कार्य थे, बचपन में भी उन्होंने बहुत सारे ऋषियों की मदद करी और बहुत ही सारे राक्षसों का संहार उन्होंने कर दिया, यानी एक तरीके से रामायण का जो युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले ही उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का अंत भी कर दिया था। ये दो चीज़ें तो हो गई, अब तीसरी चीज़ जो है जो रामायण में उनका इतना बड़ा रोल रहा वो रहा, उसमें चार बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिनसे हमें बहुत बड़ी बड़ी चार चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों चौथी चीज़, क्योंकि मैं उल्टे से शुरू कर रहा हूँ और उल्टे से शुरू करने का मज़ा ही अलग होता है, तो दोस्तों चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है जो उन्होंने मित्रता कराई प्रभु श्री राम, और मैं बात करूँ आपको पता है किसकी, बाली का जो आपको पता है भाई था सुग्रीव, जो किष्किंधा नरेश बाद में बन गए, तो जो मित्रता उन्होंने कराई वो बहुत उन्होंने अच्छा करा, क्योंकि उससे ये हुआ जो किष्किंधा नरेश थे बाली, उनसे अपना जो सारा राजपाट था सुग्रीव को वापस मिला, उनकी पत्नी का भी उन्होंने हरण कर लिया था वो भी उन्हें वापस मिल गई, और साथ ही साथ राम जी को भी पूरी वानर सेना मिली, सुग्रीव का साथ मिला, जाम्बुवन जी का साथ मिला, अंगद का साथ मिला, नल और नील का साथ मिला, बाद में विभीषण जी भी जुड़ गए। तो हनुमान जी ने ये दिखाया कि भाई देखो दो कभी कभी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि भाई जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरत है जो आपके पास है, तो हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो दो लोगों के बीच मित्रता कराइए ताकि दोनों का ही बहुत ज़्यादा लाभ हो, और दोनों के साथ खड़े भी रहिए। सुग्रीव के पास तब कुछ नहीं था, हनुमान जी जाते तो साथ छोड़ सकते थे, लेकिन साथ में रहे, जबकि सामने बाली था जिसको पता था हनुमान जी को भी कि इतना अच्छा मतलब आसान नहीं है प्रास करना, लेकिन श्री राम जी ने भी छुप के उनको तीर से अपना उनका वध करा, क्योंकि बाली के पास भाई अपना वरदान ही ऐसा था कि जो भी उनके सामने आएगा आदि शक्ति उनके पास हो जाएगी, तो हनुमान जी या राम जी भी वो चीज़ फिर कैसे कर पाते, फिर उसके लिए तो बहुत कुछ बड़ा ही करना पड़ता। तो हमेशा आप लोगों की मित्रता कराइए, लोगों में संधि कराइए, ताकि एक दूसरे का भला हो, आपका भी भला हो और पूरी पृथ्वी का भी भला हो। तीसरे नंबर पे जो दोस्तों आता है, उन्होंने माता सीता को जो ढूंढा वो कैसे ढूंढा, सब लोग ढूंढ रहे होते हैं और फिर वो सामने समुद्र होता है जो लंका हो जाता था, और सब लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं कि भाई अब लंका जाएं तो कैसे जाएं, तब जाम्बुवन जी ने उनकी सारी शक्तियाँ याद दिलाती हैं। जाम्बुवन जी का भी बड़ा रोल है कि भाई कैसे आप किसी को उनकी शक्ति याद दिला सकते हो, तो बचपन की उनकी जो आखिरी मैं बात करूँ एक और जो कहानी है वो यही है कि वो एक ऋषि का तब भंग कर देते हैं मजाक में, उनका आसन छीन लेते हैं, तो उनको श्राप देते हैं कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे, और हनुमान जी अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाती हैं। शिव जी तब उनके पास प्रकट होते हैं और कहते हैं कि फिक्र मत करो, हनुमान जी के माता पिता को कहते हैं यानी केसरी को और माता अंजनी को, कि जब भी समय आएगा हनुमान को अपनी सारी शक्तियों का ज्ञात हो जाएगा। तो जाम्बुवन जी उनको अपनी सारी शक्तियों का ज्ञात दिलाते हैं, और साथ ही साथ फिर अपना हनुमान जी इतना बड़ा जो समुद्र था उसको लांग के जाते हैं, बीच में बहुत सारे राक्षस और राक्षसियों से उनका सामना होता है और सबका वध करते हैं, सबको एक तरीके से मैं बात करूं वो यहाँ से मुक्त कर देते हैं, और सीता माता के पास पहुँचते हैं, वहाँ उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं कि मैं रामदूत हनुमान हूँ, अंगूठी देते हैं, जब माता सीता रो रही होती हैं प्रभु श्री राम का वर्णन कर रही होती हैं, अक्षय कुमार का वध करते हैं, जाम्बुवली जो कि सेनापति रावण उसका वध करते हैं, मेघनाथ को भी प्रयास कर ही देते हैं, वो तो ब्रह्मास्त्र चला देता है, तो इसलिए चले जाते हैं कि अब थोड़ा सबक रावण को भी मैं ज़रा सिखा दूँ, वहाँ लंका में पूछ इतनी लंबी कर लेते हैं कि पूरा लंका का वस्त्र कम पड़ जाता है, और फिर आग जब लगती है पूछ पे तो पूरी लंका को आपको पता है आग लगा देते हैं, और फिर वहाँ से जाते हैं और फिर राम जी के पास वापस आते हैं और बताते हैं कैसे ऐसे माता सीता वहाँ हैं, और फिर राम जी कहते हैं कि अब युद्ध होगा, और फिर वो सब लोग जाते हैं उससे, आपको पता भी समुद्र में अपना जो मंथन अपना आपको पता कि राम जी करते हैं कि यार आप हमें प्लीज़ जाने दो, लेकिन आपको पता कोई इतनी आसानी से तो मानता नहीं है, तो राम जी तीर निकाल लेते हैं, फिर आपको पता नल और नील वो पुल बनाते हैं, उसमें भी हनुमान जी सारे पत्थरों को देते जाते हैं क्योंकि इतने शक्तिशाली होते हैं। लेकिन दोस्तों बात क्या है, जो तीसरी चीज़ से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी शक्तियाँ हमारी अंदर क्या क्या होती है हमें इसका ज्ञात नहीं होता,
तो जांबुवन जी का तो है ही जो उन्होंने याद कराया, लेकिन हनुमान जी का ये है कि देखो आपको जब आपकी शक्ति हैं आप बहुत बार पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे ही आप उनको पहचान जाओ तो उनका इस्तेमाल करो कि भाई आपको पता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी कुछ पढ़ने की कला है, कुछ अच्छा खेलने की कला है, कुछ याद रखने की कला है, किसी मदद कर लोगों की मदद करने की कला बहुत लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है, बात करने की कला है, बहुत अलग अलग तरीके की कला होती है, तो आप उसको जानो और लोगों की जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके मदद करो। यहाँ पर भी मदद वाली बात ही आ गई अगर आप ध्यान से सोच के देखो। फिर दूसरा और पहला एक साथ ही आता है, दूसरा थोड़ा कम पहला थोड़ा ज़्यादा। दूसरे में ये जब मेघनाथ से युद्ध होता है तो नागपाश का आपको पता इस्तेमाल कर देते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी को बांध देते हैं नागपाश से, और अब सब लोग सोचते हैं कि भाई युद्ध का तो अंत हो गया, क्योंकि जब राम जी नहीं रहेंगे लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो फिर हम युद्ध क्या करेंगे। जांबुवन जी कहते हैं, सुग्रीव भी कहते हैं, विभीषण जी भी कहते हैं, नल और नील भी कहते हैं, अंगद भी कहते हैं। हनुमान जी गरुड़ देवता को तब प्रकट करते हैं, और अगर सुबह हो जाती अब आपको पता अगला दिन जब निकल जाता सूर्यदेव प्रकट होते तो फिर उन दोनों के प्राण शरीर में नहीं रह पाते और युद्ध खत्म हो जाता और रावण जीत जाता है, लेकिन गरुड़देव आते हैं हनुमान जी की प्रार्थना सुनकर और दोनों को नागपाश से मुक्त कर देते हैं। तो दूसरा कार्य था, लेकिन पहला कार्य दोस्तों है इतना बड़ा कि ये कार्य दूसरे पे आ जाता है, क्योंकि वैसे तो ये भी कोई छोटा कार्य नहीं, लेकिन इसकी बात फिर भी कम होती है एज़ कम्पेयर्ड पहला वाला, क्योंकि पहला वाला था जब शक्ति का प्रदर्शन अगले दिन लक्ष्मण पर कर देता है मेघनाथ और लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं, तो पहले तो मेघनाथ को थोड़ा सा मारते हैं, उसके बाद अपना लेके जाते हैं राम जी के पास, और राम जी बिल्कुल ही सूख कर आद्य हो जाते हैं कि जब लक्ष्मण ही नहीं रहेगा तो मैं फिर क्या ही युद्ध करूँगा, पहले ही माता सीता उनके साथ नहीं है, बाकी भाई और उनकी जो माताएँ श्री राम जी की थी वो साथ में नहीं है, तो फिर अब भाई क्या ही बचेगा एक आदमी के पास। तो जाते हैं कि भाई मैं संजीवनी बूटी लेके आऊँगा, पहले सुशीन वैद्य को बुला के लाते हैं, राम जी कहते हैं आप हमारी मदद करो, फाइनली मदद कर देंगे, राम जी की बात से तो भाई कोई भी इंप्रेस हो जाए। लेकिन भाई बात ये थी कि मेघनाथ ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी रावण को कि भाई अगर खुद हिमालय भी चल के आ जाएगा ना तो सुबह तक नहीं पहुंच सकता, और कब फिर दवा देंगे, कब संजीवनी बूटी से वो जड़ी बूटी से वो दवा बनाएंगे। लेकिन रावण भी भाई देखो बहुत दिमाग वाला था, ये तो है ही, और रावण ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि मेघनाथ तुम भूल कर रहे हो, तुम्हें उस मरकट की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, वो बहुत ही ख़तरनाक है, पहले वो कालनेमी को भी भेजते हैं, उसका भी वध करते हैं, और सूर्यदेव कहते हैं हनुमान मुझे प्रकट होना पड़ेगा नहीं तो रावण मुझे नहीं छोड़ेगा जल्दी, वो कहते हैं हे मेरे गुरुदेव आपने मुझे ज्ञान दिया है, लेकिन अगर आज मुझे प्रभु श्री राम के लिए आपसे भी युद्ध करना पड़ेगा ना, किसी बड़े से बड़े देवी देवता से भी युद्ध करना पड़ेगा ना, तो मैं युद्ध करूँगा, क्योंकि मैंने प्रभु श्री राम को वचन दिया कि अगर मैं नहीं सुबह तक लेके आया संजीवनी बूटी तो अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और शायद प्राण ही त्याग दूंगा। और लेके आते हैं पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं, बीच में उनको थोड़ा आपको पता है घायल भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है भरत जी उन पे तीर चला देते हैं, उनको लगता है कहीं ये भाई पहाड़ तो नहीं गिरा देंगे अयोध्या पे, उनसे मिलते हैं उनको पूरी सहानुभूति देते हैं कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा, लेके जाते हैं पर्वत, और आपको पता है कि फिर वो सुशीन वैद्य अपना संजीवनी बूटी लेते हैं और लक्ष्मण जी को दोबारा अपना सही कर देते हैं, और फिर युद्ध होता है, मेघनाथ को अपना आपको पता लक्ष्मण जी प्रास्त करते हैं और फिर रावण को भी आपको पता है प्रभु श्री राम प्रास्त करते हैं। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि वो जो 108 पुष्प थे जो कमल थे वो भी प्रभु श्री राम ही लेके आए थे, जो राम जी ने पूतक पूजा करी थी आदिशक्ति की आपको पता है। तो हनुमान जी के इतने सारे कार्य थे राम जी के जीवन में कि आप सोच के ही कहेंगे कि भाई कितना बड़ी भूमिका थी राम जी के जीवन में हनुमान जी की अगर हम बात करें, और ये जो युद्ध जीता ये चार कितनी बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि अगर सुग्रीव से दोस्ती नहीं कराते तो वानर सेना कैसे मिलती, अगर माता सीता का पता नहीं लगाते तो पता कहाँ चलता कि कहाँ जाना है, अगर नागपाश से मुक्त नहीं करते तो दोनों का अंति हो जाता, अगर लक्ष्मण जी के लिए वो पर्वत के से संजीवनी बूटी नहीं लाते तो फिर युद्ध का तब भी अंति हो जाता, तो कैसे इतनी बड़ी भूमिका निभाई भाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ वो जो ऑरेंज सिंदूर जिसको हम कहते हैं केसरिया तिलक, उसके पीछे की भी अपनी कहानी है, वो तो शायद आप सभी को पता ही है, इतनी सी बात तो ज़रूर पता ही होगी कि भाई वो हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि राम जी खुश होते हैं, वो कैसे होता है, क्योंकि एक बार माता सीता अपना श्रृंगार कर रही तो हनुमान जी वहाँ गलती से पहुँच जाते हैं और कहती हैं हे माता ये आप क्या कर रही हो, कहती हैं कि मेरे को ये मैं लगाती हूँ क्योंकि इससे मेरे प्रभु की आयु लंबी होती है और साथ ही साथ अपना बहुत खुश भी होते हैं, तो हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर वो लगा लेते हैं और राजसभा में पहुंच जाते हैं और सभी लोग उन पे हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि सुग्रीव भी, जांबुवन जी भी और विभीषण जी भी, तो कहते हैं हे हनुमान तुम ऐसे क्यों आ गए, प्रभु श्री राम पूछने, कहते हैं कि माता सीता से मुझे पता चला कि अगर ये मैं अपने शरीर पे मतलब वो जैसे अपने माथे पे लगाती हैं सिंदूर के तौर पे तो आपकी उम्र लंबी होती है और आप खुश होते हो, तो मैंने इसको पूरे शरीर पर ही लगा लिया, तो राम जी हंस पड़ते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तुमसे बड़ा भक्त मेरा कोई हो ही नहीं सकता, ये कोई कहने की बात नहीं है, और आज मैं ऐलान करता हूँ कि आने वाले समय में खासकर मंगलवार के दिन अगर मैं बात करूँ जो भी हनुमान को
ये टीका लगाएगा और साथ में मुझे भी ये टीका लगाएगा, यानी केसरिया तिलक ऑरेंज टीका जिसको आप कहते हैं, उससे मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, उससे मैं कभी रुष्ट नहीं होऊंगा और उसके सारे कष्ट हरूंगा, सारे दुख हरूंगा। वैसे तो राम जी सबके लिए ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मंगलवार के दिन अब ऑरेंज टीका लगाते हैं राम जी और हनुमान जी को, तो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्नता दोनों को होती है और वह अपनी कृपा आप दोनों आप लोगों पर सब पर बनाते हैं। अब हनुमान जयंती पर दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं, आप फूल और मालाओं से तो उनको अपना पूजा कर ही सकते हैं, साथ में बूंदी का अक्सर आपको बताऊँगी वो भी ऑरेंज रंग की होती है, इसलिए इतना हनुमान जी को चढ़ाई जाती है, लड्डू होते हैं, साथ ही साथ आपको पता है जो हनुमान जी का चोला होता है, सारी चीज़ें होती हैं, ऑरेंज तिलक की तो मैंने बात कर ली, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, जैसा कि मैं कहता हूँ कि पूजा का कोई एक समय नहीं होता कि आपको तभी करनी है, लेकिन जब भी आपको समय मिले तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा जो है उसका भी जब आप पाठ करते हैं तो भाई बहुत अच्छा मन को खुद लगता है, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, फियर हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें भाग जाती हैं। तभी तो कहा गया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। किसी ने सही तो कहा है बिल्कुल, क्योंकि भाई जब भी आप हनुमान जी का वर्णन करते हो, आप कितने भी दुखी हो ना, आप खुश हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, आप नॉर्मल हो तो भी आप खुश हो जाओगे, और ये जो भी फियर डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, लगता ही नहीं कि चीज़ें बची थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये मैंने भी महसूस करा जब 2020-21 में इतना ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर पाए या किसी कारणवश नहीं कर पाए, और जब आपने उनका ध्यान भी उस समय पे करा तो बहुत अच्छा लगा जब रामायण या महाभारत लॉकडाउन में आए थे, और बाकी समय में जब भी आप मंदिर गए, खुद मैं 2004 से अब 24 हो गया, इतने साल में मैं जब भी गया मंगलवार के दिन तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी भी दिन जब भी आप कुछ और सुंदरकांड करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, आप हनुमान जी की आरती करते हो, कुछ भी करते हो, संकट मोचक ऐसी थोड़ी कहा जाता है, संकट मोचन बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आप उनका वर्णन करते हो बहुत अच्छा लगता है, और जैसा कि मैंने कहा कि उनके जैसा हम नहीं बन सकते जो भी कोई महान पुरुष ऐसा होता है, लेकिन उनसे अगर हम कोई एक भी अच्छी चीज़ सीख लें तो इससे अच्छी बात दोस्तों नहीं होती। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जितना भी मेरे को पता था, जितना भी उतना मैंने कोशिश करी बताने की, क्योंकि वैसे तो मैं खुद आपको बता दूँ इतना ज़्यादा नहीं जानता, इसका जो क्रेडिट जाता है मेरे पापा को ही जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बहुत सारे लोग बताए हैं, चाहे वो कोई भी रहो, ये बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं तो उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया, लेकिन ये कैसे हैं जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं, 2004 में इनके बारे में पता चला था, तभी आपको अक्सर लगता होगा कि मैं 2004 इतना ज़्यादा क्यों करता हूँ, जैसे 2010 में क्रिकेट के तौर पर करता हूँ या 4 में भी मैं बहुत सारी चीज़ों के तौर पर करता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत बार हनुमान जी के मंदिर गया था, लेकिन जब मैं तब गया उनकी कहानी के बारे में पता चला, फिर 2005 में मूवी जो पहली वाली आई वो देखी, बहुत अच्छा लगा, 2008 में दूसरी मूवी आई, या बीच में जब रामायण देखी, तो जब पूरी कहानी पता चलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, और मज़ा आ जाता है सुन के कहानी है सारी। तो आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, अगर कुछ कहानी आपको नहीं पता होगी और मेरे थ्रू पता चला होगा तो बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और बाकी मैंने जैसा कि कहा, आप ये पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की मूवी देख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं मिली जाएगी यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ रामायण देख सकते हैं, उसमें भी हनुमान जी का अपना जैसा कि का मैंने रोल है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे महापुरुष के बारे में जितना आप जानोगे, जितना सीखोगे उतना ही कम है। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली, सेलिब्रेट कीजिए इस दिन को, शाम को तो हम सभी बिजी होंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखिए, चैनल सब्सक्राइब ना कराओ तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर वीडियो ना करिए तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा, मिलेंगे जल्दी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जो केसरी के लाल मेरा छोटा दाए काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम।